अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंस्टाग्राम वायरल बॉल केक की रेसिपी जो बहुत ही इजी है इसको हम दो मिनट में बनाएंगे ओवन के बगैर बनाएंगे एग्स भी नहीं हम यूज़ करेंगे बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है आप दो मिनट में बना के तैयार कर लेंगे इन आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा और रेसिपी का कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा तो रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक बोल लेंगे उसमें हम ऐड करेंगे मैदा मैंने यहां पे एट टेबल स्पून लिया है और साथ ही इसमें वन फोर्थ कप शुगर ऐड करेंगे सिंपल पाउडर शुगर है टू टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर थोड़ा सा नमक और वन फोर टी स्पून वनीला हम ऐड कर लेंगे अगर आपके पास डार्क वाला कोको पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह पे अगर आपके पास थोड़ा लाइट वाला है तो आप कोको पाउडर थोड़ा ज़्यादा ऐड करिएगा और जितना आप कोको पाउडर ज़्यादा ऐड करेंगे उतनी आपने जो मैदा है ना उसकी क्वांटिटी को कम कर देना ठीक है अगर आप तीन चम्मच ले रहे हो कोको पाउडर तो आपने सेवन चम्मच आपने लेनी है मैदे की इस हिसाब से आपने मेजरमेंट कर लेनी है उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे छः चम्मच दूध और वन फोर्थ कप कुकिंग ऑयल कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं जिसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होनी चाहिए फिर हम इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे इतना इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है ना आप कि इसमें कोई लम्पस ना हो कोई ड्राई ग्रीडर्स ना बचे बिल्कुल स्मूथ सा हमारे पास आ जाए ठीक है कोई बीटर नहीं आज हम यूज़ कर रहे बहुत सिंपल और बहुत ईजीएसट वाली जो रेसिपी होती है ना मिनटों में बनने वाली एक तो ये है कि दो मिनट इसका बेकिंग टाइम है इसलिए बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है ये ठीक है और आप लेज़ी से लेजी बंदा आप में से जो भी है ना वो भी बना लेगा उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फैसला लेंगे उससे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे एक बात का ध्यान रखिएगा कि बैटर है कि आप सारे इंग्रेडिएंट्स को छान के इस्तेमाल करें ताकि आप जब बैटर बनाओ तो वो स्मूथ सा बने आपको ज़्यादा देर भी ना लगे बैटर को ओवर मिक्स भी नहीं करना पड़ेगा तो बहुत प्यारा सा बैटर बन तैयार होगा ये देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आया बहुत प्यारा सा हमारा बैटर बन के रेडी हुआ है ये देखें अगर आपको इसमें लगे कि लम्पस हैं तो आप इसको मज़ीद मिक्स कर लें जब तक कि इसमें कोई लम्पस ना बचे तो बैटर की थिकनेस आप देख सकते हैं इतनी ही होनी चाहिए तो बैटर हमारा रेडी है अब हम कोई सा भी बोल लेंगे थोड़ा सा छोटा सा मैंने ये वाला लिया है ये मेरे पास था अवेलेबल तो इसमें आप हम ऐड कर देंगे सारा जो बैटर हमने बनाया ना वो सारा पोर कर देना ठीक है स्पैशला की मदद मतलब से सारा आपने बॉल से उतार लेना सारा बैटर और दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर देना सारा ठीक है अगर आपके पास कोई इस तरह का बॉल नहीं है ना जो माइक्रोवेव सेफ है तो आप देख लो कि आप कोई मोल्ड यूज़ कर लो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है एलुमिनियम फॉइल वाला जो होते हैं ना मोल्ड वो वाले भी आप यूज़ कर सकते हो जो कुछ भी अवेलेबल है बस यूज़ कर लो ये हमारा बैटर पोवर हो चुका है तो ये बेक होने के लिए रेडी है तो इसको हम माइक्रोवेव करेंगे अब माइक्रोवेव में हम इसको रखेंगे आपने देख लेना है कि अच्छा मतलब आ रही है लाइक लाइट अच्छी होनी चाहिए उसके बाद दो मिनट के लिए आपने माइक्रोवेव करना है इसको दो मिनट के बाद ये देखें जी कितना ज़बरदस्त हमारा केक बन के रेडी है बहुत ही प्यारा सा बनना है इसका ना एक टेस्ट बहुत अमेजिंग सा इसका फ्लेवर बहुत रिच और बॉइस सा केक बन के तैयार होता है आप ज़रूर ट्राई करिएगा उसके बाद मैंने वाइट चॉकलेट थोड़ा सा दूध ऐड करके थोड़ी मल्ट कर ली थी क्योंकि हमने इसको दूध के साथ इसलिए मल्ट किया कि हमें थोड़ा सा ना मेल्टी टाइप सा थोड़ा चाहिए इसका चॉकलेट सॉस टाइप सी ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें अगर हम चॉकलेट जस्ट ऐसे ही मेल्ट करके ऐड कर देंगे तो वो जमेगी और वो थिक्स ही हो जाएगी हार्ड हो जाएगी तो हमें हार्ड वाली नहीं चाहिए हमें थोड़ी लिक्विडी फॉर्म में ही चाहिए तो इसी तरह मैंने डार्क चॉकलेट जो थी ना उसको भी ऐसे ही दूध के साथ थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था दूध थोड़ा ऐड करके अगर आपके पास मिल्क चॉकलेट है तो आप मिल्क चॉकलेट ले लो जो भी आपके पास अवेलेबल है बस ले लो ठीक है उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी वाइट चॉकलेट ऊपर बिस्किट टॉप पे भी ऐड कर दी थी मैंने वो जैसे उस केक में होती है ना जो काफ़ी वायरल हुआ था पिछले दिनों तो उस पर ऐसे ही ऊपर थोड़ी चॉकलेट ऐड की जाती है उसके बाद थोड़े से चॉकलेट चिप्स ऐड कर लो जो मर्जी ऐड कर लो तो केक हमारा रेडी है बहुत ही मोज सा बहुत ही क्विक सा केक हमारा बन के तैयार है इनशाला आपको जरूर पसंद आएगा मस्ट ट्राई करिएगा बहुत ही रिच और मोज सा केक बनकर के तैयार होता है रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मस्त करिएगा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्लाह अल्लाहफिज